हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। मिष्ठान फूड्स लिमिटेड शेयर को करेंगे डिस्कस। 13.85 पे क्लोजिंग दी है कल एंड 0.14% का दिया है पॉजिटिव रिटर्न। फ्रेंड्स, उस दिन हाई बनाया 14.19 का एंड लो बनाया है 13.75 का। इसका 52-week हाई है 14.79, तो देखिए कितना नियर आ चुका है। एंड 52-week लो है 7 रुपीज। 20% का बैंड है सेबी की तरफ से फॉर द अपर एंड द लोअर सर्किट। मार्केट कैप है 1385 करोड़ का। टर्नओवर है 16 करोड़ का। फेस वैल्यू 1 रुपीज है। अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की तो ईपीएस है 0.43, पी है 32, आरओई है 35। फूड सेक्टर से बिलोंग करता एक पेनी स्टॉक है, काफ़ी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स देता है। न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रेंड 19 जुलाई को आई थी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन एंड ये मैं आपको अपडेट क्लियरली समझा चुकी हूँ। फ्रेंड्स, इनका जून क्वार्टर का रिजल्ट भी आ चुका है जिसमें प्रॉफिट आया है 4.38 करोड़, बट कंसोलिडेटेड रिजल्ट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इनका न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, इनका जून क्वार्टर का न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो हो गई है थोड़ी सी बड़ी है, 49.82 हो गई है, पहले थी 49.77। FIIs ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 1.58 कर लिया है, पहले थी 1.13। तो प्रमोटर ने भी बढ़ाई और FII ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक की होल्डिंग है फ्रेंड्स 48.62। तो ये इनका जो न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न है अच्छा है। FII बढ़ाती है जब होल्डिंग तो डेफिनेटली शेयर ऊपर ही जाता है एंड प्रमोटर ने भी बढ़ाई है। इनके एक बार एनुअली रिजल्ट देखते हैं बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो देखिए, जून 2023 में इनका प्रॉफिट है 69 करोड़ का, मार्च 2023 में था 14 करोड़ का एंड जून 2022 में था 11 करोड़ का। तो आप देखिए ग्राफ कितना अच्छा है, रिजल्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो फ्रेंड, ये कंपनी 1981 में बनी थी एज अ HICS सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो स्टार्टिंग में ये मैन्युफैक्चर करती थी सीमेंट, लेकिन बाद में ये फूड सेक्टर में चली गई। इसका मार्केट कैप भी आपको अच्छा मिल रहा है 1385 करोड़। तो शेयर काफ़ी अच्छा है, जून क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। 16 रुपीज़ तक का नियरेस्ट टारगेट हम शेयर में कंसिडर करके चले। सो फ्रेंड, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। खुद से रिसर्च कीजिए फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड चैनल को अगर किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।